अनुपम खेर का बढ़ते पेट्रोल के दामों पर किया गया पुराना ट्वीट शेयर कर कांग्रेस से पूछा सवाल। 65 रुपए पेट्रोल होने पर साइकिल से आने वाला अनुपम खेर का ड्राइवर अब क्या बुलेट ट्रेन से आ रहा है। देश में इन दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश के कई इलाकों में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े तक पहुंच गया। यूपीए सरकार के दौरान जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस वक्त जब भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती थी बॉलीवुड से रिएक्शन आने शुरू हो जाते थे। उनमें से अनुपम खेर अव्वल हुआ करते थे लेकिन इस वक्त पता नहीं क्यों अनुपम खेर की बोलती बंद है। कांग्रेस सरकार के वक्त डायन लगने वाली महंगाई अब शायद डार्लिंग हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए अनुपम खेर को उनके पुराने ट्वीट की याद दिलाई जो उन्होंने मनमोहन सरकार के वक्त लिखा था। अनुपम खेर ने कहा था, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि आने में देर क्यों हो गई, तो उसने कहा कि सर मैं साइकिल से आया हूँ। अनुपम ने पूछा तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ है, तो उनके ड्राइवर ने जवाब दिया कि सर अब वो घर पर रहेगी शोपीस बनकर। अनुपम खेर ने ये ट्वीट 14 अक्टूबर 2012 को किया था। वर्ष 2012 में पेट्रोल की कीमत लगभग 65 से 70 रुपए के बीच थी। उस वक्त अनुपम खेर के ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को शोपीस बनाकर रख दिया था। अब 2021 में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब अनुपम खेर के ड्राइवर की मोटरसाइकिल किस हालत में है। इसके बारे में अब तक कोई ट्वीट नहीं किया गया। अनुपम खेर अकेले बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं है जिन्हें यूपीए सरकार के वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर बुरा लगता था, बल्कि इस फहरिस्त में महानायक अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार भी हैं। यूपीए सरकार के वक्त अक्षय कुमार ट्विटर पर लिखते थे कि लगता है अब एक बार फिर से साइकिल को साफ करके उसे रोड पर फिर से चलाने का वक्त आ गया है। दिलचस्प बात तो ये है कि उनके इस ट्वीट को लेकर जब उन्हें 2018 में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर ट्रोल किया जाने लगा तो उन्होंने ये ट्वीट ही डिलीट कर दिया था। तो वहीं अमिताभ बच्चन ने 24 मई 2012 को लिखा था कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उनसे पूछा कि साहब कितने का डालूं, तो उन्होंने कहा था कि 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे, कार को जलाना है। मनमोहन सरकार के वक्त पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर खुलकर अपनी राय रखने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटी अभी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये समझ से परे है। वैसे सोशल मीडिया पर लोग इन बॉलीवुड की हस्तियों को उनके पुराने ट्वीट याद भी दिला रहे हैं और उनकी खिंचाई भी जमकर की जा रही है। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में?